आज शायद ये ऐसा कोई होगा जिसके पास मोबाइल ना हो। मोबाइल आज हमारे जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अब इस बदलते युग में मोबाइल के बिना जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल है। हम फोन को कभी कभी लगातार यूज करते हैं, कभी तो ऐसा हो जाता है कि फोन पर ही घंटों गुजर जाते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मोबाइल जैसी छोटी सी मशीन हमारे शरीर के अंदर अस्थिपंजर यानी कंकाल को भी बदल रही है। एक नए शोध के मुताबिक मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले युवाओं के सिर पर सींग निकल रहे हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सिर के स्कैन में इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है। बायोमैकेनिक्स यानी जैव यांत्रिक पर किए गए शोध से पता चला है, सिर को ज्यादा झुकाने के कारण युवा अपनी खोपड़ी के पीछे सींग विकसित कर रहे हैं। शोध में यह भी पता चला है कि इसमें ज्यादातर 18 से 30 साल के बीच के महिला या पुरुष इसके ज्यादा शिकार हो रहे हैं। रिसर्च में ये कहा गया है कि रीढ़ की हड्डी से वजन के शिफ्ट होकर सिर के पीछे की मांसपेशियों तक जाने से लिगामेंट्स की हड्डी का विकास होता है। नतीजन सींग की तरह की हड्डियां बढ़ रही हैं, जो गर्दन के ठीक ऊपर की तरह जो खोपड़ी से बाहर निकली हुई हैं। वाशिंगटन टाइम्स की खबर के मुताबिक खोपड़ी के निचले हिस्से में इस कांटेदार हड्डी को देखा जा सकता है। यह हड्डी किसी सींग की तरह लगती है। डॉक्टरों के मुताबिक हमारे खोपड़ी का वजन करीब 4.5 किलोग्राम होता है, यानी कि एक तरबूज के बराबर। आमतौर पर मोबाइल का इस्तेमाल करते वक्त लोग अपने सिर को लगातार आगे पीछे की तरफ हिलाते हैं। ऐसे में गर्दन के निचले हिस्से की मांसपेशियों में खिंचाव आता है और इसी के चलते हड्डियां बाहर की तरफ निकल जाती हैं, जो किसी सींग की तरह दिखाई देती हैं। और ये सब हो रहा है सिर पर ज्यादा दबाव पड़ने से। तो आप भी सावधान हो जाइए, अगर घंटों आप फोन का इस्तेमाल करते हैं तो फोन को जितना कम से कम हो सके उतना इस्तेमाल करें।